आज हम जिस प्रोडक्ट का ओवरव्यू देने वाले हैं, अनबॉक्सिंग करने वाले हैं, वो है अपना एप्सन का प्रिंटर। और एप्सन के प्रिंटर का जो मॉडल नंबर है वो है इकोटैंक L3250, यानी कि 3250। ये मॉडल नंबर हो गया और ये है इकोटैंक। इकोटैंक का मतलब कि ये इंक वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे चार तरह के इंक लगने वाले हैं और ये छोटे छोटे टैंक्स हैं जिसमें कि फिल किए जाएंगे। और ये बहुत ही बेहतरीन तरीके का कलर प्रिंटर है और ये बहुत ही शानदार क्वालिटी में प्रिंटिंग करने वाला है। अगर मैं इसके फीचर्स की बात करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोई प्रिंटिंग करना हो जिसका पेपर साइज A4 है वो मजे से किया जा सकता है। कोई स्कैनिंग करना हो तो स्कैनिंग सिस्टम भी कर सकते हैं। यहाँ पे A4 के अलावा और भी पेपर का हम इसमें प्रिंटिंग कर सकते हैं एंड स्कैनिंग कर सकते हैं। ओके, यानी कि ये मल्टीपर्पज अपना प्रिंटर हो गया जिसमें कि स्कैनिंग की भी सुविधा है एंड प्रिंटिंग का भी सुविधा है। और साथ में साथ ये जो एप्सन का जो न्यू मॉडल प्रिंटर आया है, इसमें सबसे खूबसूरत फीचर्स ये है कि ये वाईफाई इसमें है, जो कि हम मोबाइल फोन से भी डायरेक्ट प्रिंट कर सकते हैं और ये बहुत ही बेहतरीन प्रिंटर करेगा। और ये जो कंपनी है ये दावा करता है कि ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट हम 4500 पेपर निकाल सकते हैं एंड कलर प्रिंट कितना निकाल सकते हैं, तो 7500 हम कलर प्रिंट निकाल सकते हैं। एक बार जब पूरा फुल टैंक भर जाएगा तो इतना हम प्रिंटिंग कर सकते हैं। ओके, और हम इसके कुछ और बारे में बात करते हैं, इसके कुछ और बात हम दिखाते हैं। और ये जो हमारा एप्सन का जो प्रिंटर है, इसकी अगर स्पीड की बात करें तो यहाँ पे ये कंपनी दावा करता है कि इसका जो ब्लैक एंड कलर जो प्रिंटिंग निकलने वाला है, 33 पर मिनट के हिसाब से ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट निकलेगा एंड 15 पेपर पर मिनट के हिसाब से कलर प्रिंट को ये निकालेगा। ये इसके स्पीड की बात हो गया। ओके, अगर हम iOS से प्रिंट करते हैं तो ये 10 पर मिनट के हिसाब से ब्लैक एंड व्हाइट निकालेगा एंड 5 पेपर पर मिनट के हिसाब से ये कलर प्रिंट निकालेगा। ओके, अगर हम स्कैनिंग के रेजोल्यूशन की बात करें तो ये कह रहा है कि 1200x2400 रेजोल्यूशन DPI में ये स्कैनिंग करेगा एंड प्रिंटिंग क्वालिटी की बात की जाए तो वो है 5760x1440 DPI पे ये प्रिंटिंग करेगा। ठीक है, तो ये इसके रेजोल्यूशन, इसकी क्वालिटी की बात हो गया, इसके हाई डायमेंशन की बात हो गया। ठीक है, और अगर हमें मोबाइल से कनेक्ट करना है तो उसके लिए हमें एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होगा अपने मोबाइल फोन में जिसका नाम है एप्सन स्मार्ट पैनल। ओके, तो ये हमें इंस्टॉल करने होंगे। बाकी इस बॉक्स के अंदर हमें 4 कलर मिलने वाले हैं और यहाँ पे मैंने बता दिया इसके कितने, एक बार टैंक फुल होंगे तो कितने कितने प्रिंटिंग निकलने वाले हैं। ओके, तो ओवरव्यू जितना इन्फॉर्मेशन था ये सब हमने देख लिया है, और भी हम देखें तो बस वही बात फिर से बता रहा है। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको अनबॉक्सिंग करते हैं, इसको हम ओपन करते हैं। इसको ऑन करने के लिए मैं यहाँ चक्कू से इसके पैनल को, इसमें टेप जो लगा हुआ है उसको मैं यहाँ से कट कर देता हूँ। ठीक है, ओके, तो ये मेरा कटिंग हो चुका है, अब मैं इसको ओपन करने वाला हूँ। तो अब हम इस बॉक्स को ओपन करते हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये बॉक्स के अंदर इतने सारे सामान अवेलेबल है, जो कि आपको सबसे पहले दिख रहा है कि ये कुछ CD है, कुछ इसका मैनुअल है। इसको ओपन किया जाएगा, बाद में देखेंगे किसमें और क्या क्या चीजें दिया हुआ है। ठीक है, इसको मैं साइड में रखता हूँ। इसके बाद ये मेरा प्रिंटर है, इसको सबसे पहले हमें ये फॉर्म निकालने होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है, इसमें पावर केबल लगा हुआ है। ठीक है, ये पावर केबल है। फाइनली ये मेरा प्रिंटर है, देख सकते हैं बहुत अच्छे तरह से रैपर किया गया है। और इसके कुछ और चीज़ें हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको ये 4 कलर दिख रहे हैं, जो कि ब्लैक, सियान, मैजेंटा, येलो, ये 4 कलर हैं। इसको हमें इसमें फिल करने होंगे। ओके, एंड ये बॉक्स भी अपना खाली हो गया। सो गाइज, तो अब मैं सारी चीजें दिखा देना चाहूंगा कि ये जो पैक था इसमें हमें क्या क्या चीजें मिला है बॉक्स के अंदर। तो सबसे पहले मैं इसे दिखाना चाहूंगा, ये कलर है जिसके मदद से हमारा प्रिंटिंग होगा। ये पावर केबल है जिसके मदद से प्रिंटर में पावर आएगा। एंड एक और केबल हमें मिला है जो कि USB केबल है, जो कि हमारे लैपटॉप से कनेक्ट किए जाएंगे और उससे हम प्रिंट दे सकते हैं। और साथ के साथ हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स, कुछ मैनुअल और एक CD भी मिला है जिसके मदद से हम सॉफ्टवेयर को अपने लैपटॉप सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं। अदरवाइज इसका ड्राइवर जो होगा वो हम इंटरनेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो ये सारी चीजें हैं। अब मैं इसको साइड में रखते हुए प्रिंटर को ओपन करता हूं। आप देख सकते हैं ये हमारा बहुत बढ़िया तरीके से प्रिंटर है, बहुत बढ़िया तरीके से इन्होंने पैकिंग सैकिंग किया हुआ है, सब टेप लगे हुए हैं जो कि थोड़ा सा भी ये ना हो। ओके, तो देखते हैं सबको एक एक करके, हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें दिया हुआ है।
यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको मैं सबको टेप निकाल देता हूँ। गाइस तो हमने इसके सारे टेप को रिमूव कर दिए हैं। अब मैं इस प्रिंटर को आपको दिखाऊंगा और स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझाऊंगा। ओके, तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हैं, ये जो पैनल है यहाँ पे स्कैनिंग किया जाएगा, ये स्कैनिंग के लिए है, जहाँ पे आप A4 साइज, B5 साइज, ये सारे साइज को आप यहाँ पे स्कैनिंग कर सकते हैं। ओके, अब मैं पेपर को इनपुट करने वाले जगह को दिखाऊं, तो ये जो जगह है यहाँ पे आप पेपर को इनपुट कर सकते हैं, और ये जो ब्लू कलर का हेड दिख रहा है आपको, इसको आप अपने पेपर के अकॉर्डिंग इसको कम ज्यादा करके इसमें रख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये पेपर को इसमें डाल के इसको फिट करने के लिए इसका यूज किया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया पेपर रखने के लिए जगह, और जो पेपर इनपुट होगा, पेपर हमारा इस जगह से बाहर निकलेगा, यही जो एरिया है यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, और मैं इसके बारे में कुछ आपको दिखाऊं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये यहाँ पे पावर केबल लगेगा, एंड ये जो यहाँ पे आपको लोकेशन दिख रहा है, इस जगह पे हमारा USB पॉइंट लगेगा। ठीक है, जो कि लैपटॉप से कनेक्ट होगा। तो हमने प्रिंटर के सारी चीजों को आपको दिखा दिए हैं। अब बारी है इसमें टैंक में कलर भरने की, तो मैं इसमें एक एक करके कलर भरूंगा, और ये जो जगह है यहाँ पे आपको कलर भरने हैं, और मैं इसको दिखा दूं, यहाँ पे लिखा हुआ है BKYMC ब्लैक, येलो, मेजेंटा, सियान, इसमें ये कलर भरने हैं। और यहाँ पे इसके ढक्कन है, पैनल है, इसको भी ओपन करूंगा तो आपको यहाँ पे सब कुछ दिख जाएगा। ओके, मैं अब इसमें कलर फिल करने वाला हूँ। ये चार अलग अलग कलर है, इसको इस नोजल को ओपन करना होता है, और इसमें हम भरेंगे कलर। ठीक है, इसमें हम कलर कैसे भरेंगे, तो एक एक मैं ओपन करता हूँ और इसमें कलर फिल करूंगा। इसमें आप देख सकते हैं बिल्कुल नॉर्मल है, इसके जो ढांचा बने हुए हैं इसमें आपको फिट करने हैं, और ब्लैक वाले को ब्लैक वाले पॉइंट्स में हम ऐड करेंगे। ये ऐसे गिरेगा नहीं, जब हम जैसे इसमें फिल करेंगे तो ये ऑटोमेटिक उसमें कलर फील होने लगा, ये ऑटोमेटिक निकल जाएगा। और इसी तरह से मैं सबको डाल देता हूँ, ये कलर निकलना शुरू हो चुका है। अब मैंने ये चारों कलर फिल कर लिया, अब मैं इसके नोजल को कर दूंगा बंद, इसके जो कैप है इसको मैं एक एक करके बंद कर देता हूँ। ओके, और ये मेरा पैक हो गया। अब हम इसके टेस्टिंग करेंगे, इसमें हम डालेंगे पावर केबल और उसके बाद हम चेक करते हैं। सो गाइस, तो मैंने इसको पावर दे दिया है, मैं पावर बटन यहाँ पे दिया हुआ, मैं इस पावर बटन को प्रेस करूंगा, तो यहाँ पे ग्रीन लाइट जल चुका है, यहाँ पे वाईफाई के लिए ये कनेक्टिंग मांग रहा है, और ये वाईफाई के सिम्बल्स है, ये प्रिंटिंग के लिए दिखा रहे हैं आपको, यहाँ से प्रिंटिंग करना, ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट करना हो, कलर प्रिंट करना हो। ठीक है, तो यहाँ पे भी ब्लिंकिंग कर रहा है, एक लाइट यहाँ भी जलेगा, उसको आप ध्यान से देखेंगे, ये ऑटोमेटिक अपना सेटअप तैयार कर रहा है। बट अभी अगर हम प्रिंट करेंगे तो नहीं प्रिंट करेगा, बिकॉज कि कलर हमारा टैंक से प्रिंटर हेड तक पहुंचने में कुछ समय लेगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लाइट जल चुका है, अब ये लाइट जलने का मतलब है कि अब हमारा सेटअप जो है वो इंटरनली सेट हो चुका है। अब इस कलर टैंक से हमें कलर को पहुंचाना है, तो उसके लिए हमें इस बटन को 5 सेकंड तक प्रेस करके रखना होगा, 3-4 सेकंड तक। ठीक है, और ऑटोमेटिक ये क्या करेगा, ब्लिंक करने लगेगा। ठीक है, अब ये कलर सेटअप अपना कर रहा है। अब इसमें ये टाइम लगा सकता है, कलर टैंक से कलर हेड तक पहुंचाने में कुछ देर का समय लगेगा। सो गाइस, तो ये मेरा इंक वाला जो काम था वो कंप्लीट हो चुका है, इसमें लगभग 20 मिनट का टाइम लगा है।
ओके तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ये काम कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे जो पावर बटन है ये बिल्कुल ग्रीन दिखने लगेगा और ये ब्लिंक नहीं करेगा, दैट मीन्स कि ये टैंक वाला काम कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसमें, मेरे पास कुछ पेपर है, इसको मैं इसमें इंसर्ट करूंगा। वो कैसे इंसर्ट होगा वो आप यहाँ पे देखेंगे। ये जो पैनल है मैंने इसको यहाँ से ओपन किया और यहाँ पे मैंने आपको पहले भी दिखा रखा है पेपर इंसर्ट करने के लिए। यहाँ पे थोड़ी सी जगह बना के हम इसमें पेपर डाल देंगे। A4 साइज मेरा पेपर है और ये मेरा पेपर यहाँ पे सेट हो चुका है। अब मैं इसमें कुछ प्रिंट करने वाला हूँ। मैं यहाँ पे आधार कार्ड और पैन कार्ड को दोनों को एक ही साथ प्रिंट करने वाला हूँ, तो मैंने इसको इसमें रख दिया। एक जगह मैंने अपना पैन कार्ड और एक जगह अपना आधार कार्ड दोनों मैंने सेट कर दिया, ये मैंने बंद कर दिया। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक कलर है और एक ब्लैक एंड व्हाइट है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ब्लैक एंड व्हाइट को प्रिंट करूंगा। मैंने एक बार बटन प्रेस किया और ये प्रिंटिंग होना स्टार्ट हो गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं एक पेपर यहाँ से निकला और ये बहुत फास्ट यहाँ से मेरा प्रिंट हो चुका है। ओके तो ये आप देख सकते हैं ये मेरा प्रिंटिंग हो चुका है और मैं इसके ट्रे को बाहर निकाल लेता हूँ। ठीक है, ये ट्रे है जिसमें कि हमारा आउटपुट आएगा। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं प्रिंटिंग बहुत बेटर क्वालिटी है ब्लैक एंड व्हाइट। अब मैं सेम का एक और मैं प्रिंट निकालूंगा जो कि कलर प्रिंट होगा। मैंने यहाँ पे कलर वाला बटन प्रेस किया और देखते हैं कुछ सेकंड का टाइम लेगा ये, बिकॉज ये कलर प्रिंट होगा इसलिए ये थोड़ा टाइम लगा सकता है। तो ये मेरा कलर प्रिंट आउट भी आ चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कितनी बेहतरीन क्वालिटी है, बहुत ही शानदार कलर कॉम्बिनेशन इन्होंने बनाया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों, और स्पीड भी आपने नोटिस कर ही लिया होगा कुछ सेकंड का टाइम ज्यादा ले रहा है हमारा कलर प्रिंटर, बिकॉज कि इसमें कलर कॉम्बिनेशन करना होगा। यहाँ हमने प्रिंटर की सारी सेटअप, सारा इंस्टॉलेशन, सब कुछ हमने स्टेप बाई स्टेप कम्प्लीट कर लिया है। अगर मैं आप सभी को एक लाइन में बताऊँ, इसका ओवरव्यू दूँ, तो प्रिंटर बहुत ही शानदार जबरदस्त है। इसमें कलर क्वालिटी भी बहुत अच्छा और फास्ट भी है और ये यूजर फ्रेंडली है। इसमें इंक भरना, सेटअप करना बहुत इजी रहा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रही, सब कुछ इजीली हो चुका है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये प्रिंटर कैसा लगा, ये हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये सेटअप मैंने बताने का जो तरीका रहा अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करके दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो इजिली सारे प्रिंटर के सेटअप खुद ब खुद कर सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।